Morning class, this is your computer class, and in computer we are doing a chapter 2, that is parts of a computer. Okay, so our reading is completed, and in the last class we have done our question number A, fill in the blanks, and today we are going to do question number B. So first we will read the question, what we have to do in the question, then we will complete it. So question number B is write T ट्रू, यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इसलिए टी लिख सकते हो, और एफ फॉर फॉल्स, और आपको जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अगर उनमें से कोई स्टेटमेंट फॉल्स है सो यू कैन राइट इट एफ हियर. सो फर्स्ट वी विल रीड द स्टेटमेंट टू नो दैट इट इज फॉल्स और इट इज ट्रू. सो नंबर वन, द बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. जो कीबोर्ड पे आपको बटन्स दिए होते हैं क्या आप उन्हें क्या कहते हैं, डू वी कॉल दैम कीज, क्या हम उन्हें कीज कहते हैं? यस, कीबोर्ड पे जो बटन्स होते हैं वी कॉल दैम कीज. सो आई एम राइटिंग हियर ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ अ प्रिंटर. जो डॉट मैट्रिक्स है क्या वो एक तरह का प्रिंटर है? तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर पढ़े थे, हमने प्रिंटर के बारे में रीड किया, और उसमें हमने थ्री टाइप्स के प्रिंटर भी किए थे. कौन कौन से थे हमारे? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर. सो यस, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर. सो वी कैन राइट हियर ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज नंबर थ्री, स्पीकर्स आर ऑल्सो यूज, सॉरी, स्पीकर्स आर यूज टू प्ले साउंड. जो स्पीकर होते हैं उनको आप साउंड प्ले करने के लिए यूज करते हैं. यस, अगर स्पीकर नहीं होगा तो आपको कोई साउंड भी नहीं आएगी. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. अ प्रिंटर शोज द टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर. देखिए, प्रिंटर शो करता है जो भी टेक्स्ट आपके मॉनिटर पर, वो आपको प्रिंटर दिखाता है कि इट इज ट्रू, सॉरी, ट्रू और फॉल्स, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो देखिए, आपके मॉनिटर पे जो भी लिखा हुआ है, जो आपने टाइप किया है, अगर आप उसका प्रिंट लेते हो तो इट इज डेफिनेटली शोज कि जो भी आपके मॉनिटर पे अगर आप उसका प्रिंट ले रहे हो तो वो आपको दिखाएगा. तो स्टेटमेंट कैन बी ट्रू हियर. So now we will move to the next question, and that is question number C. So for that you have to open your books. Now we will do our question number C. In question number C, what we have to do? I am reading question. Match the parts of a computer with their pictures. यहाँ आपको कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको नेम दिए हुए हैं उनके, और उन नेम्स को आपको कनेक्टेड पिक्चर से मैच करना है. मीन्स आपको जो लगता है कि ये हमारा ये वाला कंप्यूटर का पार्ट है, तो यू हैव टू मैच इट विद द नेम ऑफ पर्टिकुलर पिक्चर. सो फर्स्ट देयर इज टू कॉलम्स ए एंड बी. ठीक है, यहाँ पर आपको नेम्स दिए हुए हैं. सो फर्स्ट आई एम रीडिंग नंबर ए. फर्स्ट वन इज के ई बाय बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड. सो वेयर इज द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड? That one, that is keyboard. Next, mouse, mouse. So we are going to match it with mouse. So here is mouse. Next is speakers, speakers. So where is speakers? Speakers क्या होते हैं? जहाँ से आप अपना उसको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप सॉन्ग सुन सकते हो, आपको कोई मूवी देखनी है यू कैन वॉच मूवी, और वहाँ से क्या आती है, आवाज़ आती है उसकी, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीकर्स. सो वेयर इज स्पीकर्स? हियर. नेक्स्ट इज पी आर आई एन टी ई आर, प्रिंटर. देखिए, प्रिंटर कहाँ है आपका? हेयर इज प्रिंटर. मीन्स आप जो भी टाइप करते हो, आप जो भी पिक्चर्स चलाते हो अपनी स्क्रीन पर, यू कैन ऑल्सो टेक प्रिंट, मीन्स हार्ड कॉपी ले सकते हो आप, और वो कहाँ से आती है? प्रिंटर से, एंड दैट इज प्रिंटर.
Now we will move to the B column. First one is MONITOR, monitor. So where is monitor? Monitor is here. It's look like as a TV screen. So this is monitor. Next is MICROPHONE, microphone. So where is microphone? This is microphone. Next is CPU. देखिए CPU की पिक्चर आप पहचान सकते हैं. Where is CPU? Here. There is CPU. And the last is CD. CD आपको पता है कि राउंड शेप में होती है, शाइनी होती है. And there is only one picture is left. That is CD. Now we will do our question number D. And in question number D we have to do tick the right answer. देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और हमें वहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है वहाँ पर. तो आई एम रीडिंग फर्स्ट क्वेश्चन. सी डी स्टैंड्स फोर, इट मीन्स सी डी का क्या मतलब होता है, मीन्स उसकी क्या फुल फॉर्म है. सो नंबर ए इज़ कंट्रोल डिस्क, नंबर बी इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड नंबर सी इज़ कवर डिस्क. So what is the full form for CD? That is number B, that is compact disc. Next, number B. The printed copy on paper is called the. देखिए जो हम प्रिंट आउट लेते हैं, जो भी हम राइट करते हैं अपने स्क्रीन पर, उसका जो हम प्रिंट लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेपर पे जो प्रिंट लेते हैं. सो नंबर ए इज सॉफ्ट कॉपी, नंबर बी रिकॉर्ड कॉपी, नंबर सी इज हार्ड कॉपी. सो क्या कहते हैं हम उसे, वी कॉल इट हार्ड कॉपी. नेक्स्ट इज नंबर सी, अ डैश हेल्प्स इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स. देखिए आप सभी को गेम खेलना पसंद है, तो आप जो गेम खेलते हो या आप जो ड्राइंग करते हो उसमें कौन आपकी हेल्प करता है. सो वी हैव ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, बी माउस, सी सीपीयू. तो कौन आपकी हेल्प करता है, माउस. देखिए माउस के जरिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर को इधर से उधर ले जाते हैं, तो दैट वन इज माउस. सो बेटा वी हैव डन टुडे क्वेश्चन नंबर बी सी एंड डी.